अब तो लगता है अपोनेंट है मार्वल का भगवान। तो दोस्तों कैसे हो, सब बढ़िया? देखो डेडपूल एंड वुल्वरीन के टीजर को रिलीज हुए 1.5 महीना कंप्लीट हो चुका है। बेंचो एक महीना किधर गया मालूम भी नहीं पड़ा, जो कि इस फिल्म को रिलीज होने में अब सिर्फ 4 महीने बचे हैं और इन्हीं 4 महीनों में अपने को डेडपूल 3 से लेकर पूरा इंटरनेट भरा हुआ दिखने वाला है। एंड इसके फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर भी अप्रैल के एंड में या मई के स्टार्टिंग में रिलीज किए जाने के रूमर्स चल रहे हैं। एंड इसी दौरान लोग फैन मेड ट्रेलर्स, पोस्टर, टीवी स्पॉट, ब्रेकडाउन, थ्योरीज के ऊपर थ्योरीज छोड़े जा रहे हैं, जो कि अच्छी ही बात है कि इसका कल्याण अपने स्पाइडरमैन नो वे होम के जैसा नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कुछ थ्योरीज तुम लोगों के साथ शेयर कर दूं। एंड हां, वीडियो में अगर स्पॉइलर्स होंगे तो मुझे कमेंट्स में गालियां मत देना कि वार्निंग नहीं दिया। चलो बढ़ते अपने वीडियो के तरफ। नंबर 1, देखो अपनी इस वीडियो की सबसे पहली थ्योरी ये आती है कि हमें डेडपूल 3 के अंदर ओजी एवेंजर्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन एंड थॉर। एंड मैं ये बात कोई हवा में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि फैंस की तरफ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरी सामने आई है। जैसे डेडपूल एंड वुल्वरीन के टीजर में हमें ये शॉट देखने को मिला जहाँ पर अपने डेडपूल टीवी के कुछ मेंबर से बच रहा है। और अगर तुम इस सीन पर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये शॉट बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है अपने अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के ये सीन से, बस थोड़ा कलर पैलेट अलग है। एंड अगर तुम इस सीन को और ध्यान से देखोगे तो हमें वहाँ एक ट्रक पलटी हुई देखने को मिल रही है, जो कि बहुत हद तक सिमिलर दिख रही है एज ऑफ अल्ट्रॉन वाली ट्रक से, जो कि खुद कैप्टन अमेरिका ने एक ट्रक को पलटाया था। और अगर तुम टीजर के इस शॉट पर थोड़ा सा फोकस करोगे तो मॉनिटर स्क्रीन पे अपने को ज्यादातर एज ऑफ अल्ट्रॉन के इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं, जिससे लोगों ने ये मान लिया कि यहाँ पर कुछ गलत कर दिया अपने मार्वल ने, जिसकी वजह से डेडपूल वहाँ पहुंचा। एंड कुछ फैन थ्योरीज ये भी बोल रही है कि यहाँ पर डेडपूल अपने क्विक सिल्वर को बचाने आया होगा, तो शायद ये थ्योरी भी रियल हो सकती है। तुम्हारे क्या ओपिनियन है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 2, देखो अब हमें पता चल गया है कि इस फिल्म में अपने को डेडपूल कॉप्स देखने को मिलने वाली है, जो कि इस कॉप्स की अपन टीम मेंबर्स की बात करें तो वो आते हैं बेबी पुल, किड पुल, डॉग पुल, हेड पुल एंड लेडी पुल। देखो मैं बस ऐसे ही ट्विटर एक्स को स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे ये बंदे की थ्योरी सामने देखने को मिली, जो कि ये बंदा बोल रहा है कि 2009 की थी ओरिजिनल वुल्वरिन में अपने को जो डेडपूल देखने को मिला था, जिसके एंड में अपने वुल्वरिन मियां ने उसकी मुंडी को धड़ से अलग कर दिया था, जिसके बारे में अपने को उसके ही पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिला कि डेडपूल उसके शरीर से अलग हुए बाद भी जिंदा है। एंड डेडपूल कॉप्स के अंदर उसके सारे अल्टरनेट वर्जन अलग अलग यूनिवर्स से आते हैं, जैसे अपने मेन एमसीयू 616 का डेडपूल, लेडी पुल जो कि अर्थ 3010 से आती है। तो वैसे ही अपन ने जो डेडपूल की मुंडी देखी ओरिजिनल ऑफ वुल्वरिन में, तो वही सेम मुंडी अपने डेडपूल एंड वुल्वरिन के अंदर हेडपुल के वर्जन में देखने को मिल सकती है। और एंड में उसके मुंह भी खुल गया, जो कि स्ट्राइकर ने बंद कर दिया था, क्योंकि मुंह ही तो अपने डेडपूल की शान है। जो कि ये थ्योरी मुझे बहुत हद तक सही दिख रही, और इससे ये भी साबित हो जाएगा कि दी ओरिजिन ऑफ वुल्वरिन मूवी जो हमें देखने को मिली थी वो बस एक कैनन इवेंट थी। एंड मार्वल के मुंह पे डेडपूल के नाम से जो धब्बा लगा था कि कैसा वर्जन लाए आप डेडपूल का, जिसकी वजह से फैंस ने इन्हें कई सालों तक क्रिटिसाइज किया, तो वो मुंह पे लगा काला धब्बा भी इस थ्योरी से साफ हो सकता है। नंबर 3, जब से अपने डेडपूल एंड वुल्वरिन का टीजर रिलीज हुआ है तो लोगों के मन में बस एक ही सवाल चल रहा है कि ये मूवी के अंदर अपने को जो वुल्वरिन देखने को मिलने वाला है तो वो कौन सा वर्जन होने वाला है उसका, जो कि डेडपूल एंड वुल्वरिन के तरफ से सबसे बड़ी मिस्ट्री है। एंड अगर तुम सोच रहे होंगे कि अपने लोगन मूवी का वुल्वरिन होने वाला है, तो बहुत पहले ही जब अपने रायन रेनॉल्ड्स ने ये कंफर्मेशन दी कि डेडपूल 3 के वास्ते अपने ह्यूज जैकमैन साहब वापस आ रहे हैं, तो उसी वीडियो में उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया था कि लोगन मूवी सेपरेट फिल्म है जिसके तरफ वो देखेंगे भी नहीं। How is Wolverine alive? Yeah. After Logan. Logan takes place in 2029. Mm-hmm. Totally separate thing. Mm-hmm. Logan died in Logan. Not touching that. तो फिर कौन सा वाला वुल्वरिन का वर्जन हमें देखने को मिलने वाला है, जिसमें मेरी थ्योरी ये आती है कि जब अपना वुल्वरिन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में पास्ट के अंदर गया हुआ था तो वहाँ एक समय पे वो क्यूटी से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। उसका दिमाग उलझ रहा है, वो वापस आ रहा है, मैं उसे रोक नहीं पा रही हूँ। एंड अगर तुम्हें याद होगा कि दी वुल्वरिन मूवी का एक डिलीटेड सीन रिलीज किया गया था, जिसमें अपने वुल्वरिन साहब उनके कॉमिक एक्यूरेट सूट को तारते बैठे थे, जिसे उन्होंने कभी ना कभी सूट अप करा ही होगा। तो जब वो किटी से उस टाइम पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो उस दौरान वो कोई अलग टाइम में चला गया और कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से टीवी वालों की नजर उसके ऊपर पड़ी, जिसके बाद वो टीवी वालों से भी कंट्रोल नहीं हुआ तो उन्होंने उसे वॉइड में प्रून करके भेज दिया, जहां पर अपने डेडपूल टीवी वालों से बचकर लड़कर वुल्वरिन को छुड़ाने गया। और जब वुल्वरिन ने अपने डेडपूल को नहीं पहचाना तो उस दौरान उन दोनों के बीच हमें फाइट होते हुए देखने को मिल सकती है। तो शायद हमें फॉक्स यूनिवर्स के टाइम से ही कोई वुल्वरिन का वर्जन देखने को मिल सकता है। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड बैठा हूं इसके ट्रेलर्स, टीवी स्पॉट्स और फिल्म को लेकर। तुम्हारे क्या थ्योरी से डेडपूल एंड वुल्वरिन को लेकर कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी या थोड़ा सा भी मजा आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, जिसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।